हे गाइस, वेलकम टू क्रेजी एक्सपेरिमेंट। तो आज हम बनाने वाले हैं बर्नर, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये बहुत ही इजी और अच्छा प्रोसेस है। इसमें हमें इतने चीजों की जरूरत है। दो बोतल जो घर में ही मिल जाएगा, कार्बाइड इसे हम लाए हैं किलो 100 रुपए की, इसमें बस 10 रुपए की जरूरत है। और ये है सेलाइन सेंट, ये बस 40 रुपए का हमें मिल गया है। और ये 1 मीटर पाइप, ये 5 रुपए का 1 मीटर मिल जाएगा। मैं पहले ये सब कुछ जरूरत नहीं है तो इसे साइड कर देता हूँ। हमें जरूरत है इस कैप की, पहले कैप में हमें सेंटर में एक होल करना होगा, मैं तो मैं मार्क कर देता हूँ। और दूसरे कैप में हमें सेंटर में एक होल और सेंटर के साइड में छोटा सा होल, क्योंकि ये जो पहला होल है इसमें ये पाइप फिट आना चाहिए, या थोड़ा छोटा हो तो चलेगा। और दूसरे सेंटर में ये पाइप आएगा और ये सेलाइन सेट का नोजल आएगा दूसरे सेंटर में, और जब ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा तो इधर से निकल सके। और जो हाई स्पीड से निकलेगा इसे ही बोलते हैं बर्नर। आ चुके हैं वापस होल करके। देखिए, इधर एक होल, इधर दो होल और इधर एक होल। तो चलिए ये पाइप को इधर इंस्टॉल करते हैं, थोड़ा टाइट हो तो अच्छा है। और वही पाइप इधर मिडिल में आ जाएगा। देखिए, बस इतना ही भरना है। और ये सेलाइन सेट का दूसरा वाला नोजल इधर आएगा। अब इसे आप किसी ग्लू गन या फेबिक्विक से लगा सकते हैं। गाइस, तो हम रेडी हो चुके हैं। इसमें हम ग्लू गन और फेबिक्विक दे के एक पाइप लगा चुके हैं, और इसमें और एक पाइप और इसका नोजल लगा चुके हैं। हम पहला इसे बोलते हैं हम अपना ऑक्सीजन सिलेंडर। इसमें हमें पानी लेना है हाफ से ज़्यादा। और ये जो खाली पाइप है, नहीं, ये जो सेलाइन वाला पाइप, हमें इसको इसमें लगाना है। और ये हो गया इसका सेपरेट। ये जो बोतल है इसको बोलते हैं हम ना हाइड्रोजन सिलेंडर। ये वाला जो दूसरा पाइप है इसको इसमें लगाना है कैल्शियम कार्बाइड डालने के बाद। तो चलिए हम कैल्शियम कार्बाइड इसमें डाल देते हैं। ये बहुत ही तेज रिएक्शन है। तो हमें जल्दी से कैप दे देना है। देखिए, बोतल में हवा भरना स्टार्ट हो जाता है। अभी अगर हम इसे थोड़ा सेक करते हैं तो ये हवा ऑटोमेटिक भरने लगता है। तो मिलते हैं टेस्टिंग टाइम में 2 मिनट बाद। टेस्टिंग टाइम, हम टेस्टिंग के लिए कागज़ में थोड़ा आग लगा रहे हैं। अब देखिए, अब इसकी स्पीड आप सुन पा रहे होंगे, इसकी स्पीड ये देखिए। इसके फ्रेम आप सुन पा रहे होंगे, अब देखिए कितना तेज फ्रेम है इसका। ये देखिए इसकी स्पीड, ये देखिए कितना बड़ा आग पकड़ रहा है। और अब हमें अगर स्पीड इसे करें तो इतना स्पीड हो जाएगा कि आग बुझ जाएगा। ये देखिए, देखिए 2 मिनट में कागज को जला के रख दे रहा है। अब इसकी हे गाइस, तो मैं आ चुका हूँ वापस। और अब ये रात हो चुकी है, ये रहा हमारा सेटअप। जब ये हाई फ्लेम में जल रहा था तो आग बुझ जा रहा था, इसलिए मैं छोटा सा सेटअप किया हूँ ये लाइटर के साथ। तो चलिए टेस्ट करते हैं। अब देखिए, आप फ्रेम देख सकते हैं। अब देखिए इसका हाई परफॉर्मेंस।
अब देखिए, देखिए ये इतना स्पीड हो रहा है कि लाइटर के होने के बावजूद ये बुझ जा रहा है, तो मुझे लाइटर का फ्लेम हाई करना पड़ेगा। लाइटर का फ्लेम हाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये कितने स्पीड से जल रहा है। गाइस बस इतना ही था इस वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ आइडिया तो कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।